Hello friends, I am Dr. Kamal Gupta from Fortis Escorts Hospital, Faridabad. I am working here as Principal Consultant Cardiologist, and as we all know that the World Heart Day is approaching near, and I am here today to discuss with you about high blood pressure and what damages it can produce on our heart as well as other organs of the body. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो बीमारी है इससे हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है, ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, और यही नहीं, ये एक सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर कितने लेवल में मेंटेन करना चाहिए, हमारे जो ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, हमें क्या बचाव करना चाहिए, अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक ज़्यादा उम्र दराज लोगों में पाया जाता है, और यही सोचा जाता है कि ज़्यादा उम्र में हमें ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन आजकल देखा गया है कि कम उम्र में भी ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वह ये है कि खान पान में जो बदलाव आया है, हम लोग ज़्यादातर जंक फूड को फॉलो करते हैं, सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग हैबिट्स आजकल यंग जनरेशन में बहुत है, इस कारण से ब्लड प्रेशर जल्दी ही बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, मोटापा भी एक कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो इससे हमारे हार्ट पे दबाव पड़ता है, हमारे किडनीज पे दबाव पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब हमारे पास किडनी फेलियर से आता है या फिर हार्ट फेलियर से आता है, तब हमें पहली बार पता चलता है कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी है। तो ऐसे केस में पेशेंट कहता है कि हमें डॉक्टर साहब ये पहले पता ही नहीं था कि ब्लड प्रेशर भी हमें है। लेकिन ब्लड प्रेशर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो सडनली डेवलप होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ही टाइम से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हमारे बॉडी में डेवलप होता रहता है, और यह हमें तभी पता चल सकता है कि जब हम अपना रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। इसीलिए हमें अपना ब्लड प्रेशर है रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वॉकिंग कम से कम हमें करना चाहिए, इससे हम अपने लाइफ को सही रख सकते हैं। लेकिन जिसको अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया है, मालूम भी पड़ गया है कि हमें ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर मेडिसिंस लें, ब्लड प्रेशर मेडिसिंस को स्किप ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का रेगुलर बेसिस पे कंट्रोल रहना ज़रूरी है। मेडिसिन स्किप करने से बीच बीच में ब्लड प्रेशर शूट करता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, और रूटीन हेल्थ चेकअप कराने से हमें ये भी कारण पता चलते हैं कि हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, और जो जो फैक्टर्स जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उनको हम टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप सभी लोग सेफ रहें। थैंक यू सो मच।